हेलो स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन पानसून की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे, जिसमें अपना टॉपिक होगा मूल सेल्स के क्षेत्र। मूल सेल्स के क्षेत्र जोन ऑफ रूटअपेक्स, जोन ऑफ रूटअपेक्स इस टॉपिक का अध्ययन 11th क्लास में भी कर चुके थे, लेकिन फिर आपको दोबारा से बता रहा हूं तो इस टॉपिक को आप समझेंगे, क्योंकि आपको 11th क्लास में डायग्राम के माध्यम से पूरा टॉपिक समझा दिया गया था, लेकिन सामान्य रूप से पुनः आप देख लेंगे इनको कि मूल सेल्स के क्षेत्र क्या हैं। तो डायग्राम बना के आपको बता देता हूं। ये मूल का शीर्ष भाग है, नंबर नीचे की ओर आप देख रहे हैं। सबसे पहले एक एक पार्ट की हम बात कर लेते हैं। ये है मूल गोप। मूल गोप रूट कैप, ध्यान रहे मूल के शीर्ष भाग के ऊपर, मूल के शीर्ष भाग के ऊपर एक सुरक्षात्मक टोपी पाई जाती है, जिसे कहा जाता है मूल गोप। अर्थात यह मूल के शीर्ष भाग को मृदा के अंदर नष्ट होने से बचाने का कार्य कौन करती है? मूल गोप। इससे ऊपर की ओर एक छोटा सा भाग है, जिसको हम बोलेंगे विपज्योतक क्षेत्र। विपज्योतक क्षेत्र बोलेंगे, मेस्टमेटिक जोन। आपको बताना है कि मूल गोप से ठीक ऊपर देख पा रहे हैं आप, कुछ मिलीमीटर तक का भाग होता है, ये विपज्योतक क्षेत्र होता है, जिसकी कोशिकाएं होती हैं छोटी पतली भित्ति वाली व सघन जीवद्रव वाली होती है। अर्थात ये कैसी होती हैं? विभाजनशील होती हैं। ध्यान रहे ये कैसी होती हैं? विभाजनशील होती हैं, जो विभाजन करके कोशिकाओं की संख्या बढ़ाती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ाती हैं, जिससे मूल की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है, जिसे विभाजक क्षेत्र बोलेंगे। इससे ऊपर की ओर ये माने यहां से लेकर यहां तक, यानी हम कह सकते हैं 1 से 5 मिलीमीटर तक का भाग दीर्घीकरण क्षेत्र होता है। दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, अर्थात इस क्षेत्र की कोशिकाएं होती हैं जो प्रसार करती हैं, जिससे इस क्षेत्र की लंबाई बढ़ेगी। अर्थात ये वाला यहां से लेकर ये क्षेत्र है, आप देख रहे हैं ये दीर्घीकरण क्षेत्र है। दीर्घीकरण क्षेत्र और विभाजक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के कारण एक प्रकार से मूल की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। इससे ऊपर वाला भाग ये मैचुरेशन जोन है, जिन्हें परिपक्व क्षेत्र बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र से ऊपर की ओर
कुछ मिलीमीटर से कुछ सेमी तक का भाग परिपक्व क्षेत्र होता है। इसकी कोशिकाएं होती हैं जो पूर्ण आकार प्राप्त कर लेती हैं, पूर्ण आकार प्राप्त कर ऊतकों में विभेदित हो जाती हैं। अर्थात इस क्षेत्र में असंख्य क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम क्षेत्र भी है, ध्यान रखें ये मूल रोम है। मूल रोम पाए जाते हैं जिनके द्वारा जल का क्या होता है, अवशोषण होता है, ध्यान रखें। अर्थात ये परिपक्व क्षेत्र है जिसके अंदर असंख्य क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। तो ये मूल सीज के क्षेत्र हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूं, नंबर एक मूल गौ, मूल के शीर्ष भाग के ऊपर एक सुरक्षात्मक टोपी पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, मूल गौ। ये विभजोतक क्षेत्र होता है जिसकी कोशिकाएं होती हैं जो क्या होती हैं, विभाजनशील होती हैं, अर्थात विभाजन करके कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाती है। और इससे ऊपर की ओर एक प्रकार से कौन सा होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र होता है जिनकी कोशिकाएं प्रसार करती हैं। और ये परिपक्व क्षेत्र होता है जिनकी कोशिकाएं यानी एक प्रकार से पूर्ण आकार प्राप्त करके ऊतकों में विभेदित हो जाती है। और इनमें असंख्य क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं जिनके द्वारा मृदा से जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो इस टॉपिक के बारे में आप इलेवंथ में भी पढ़ चुके थे लेकिन आपने यहाँ पर भी अध्ययन कर लिया है। तो इससे आगे नया टॉपिक होगा वो कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।